कैश मैनेजमेंट सर्विस जो है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कैश कलेक्शन, कंसंट्रेशन और डिसबर्समेंट, ये तीनों चीज़ें आती हैं। कलेक्शन मतलब जो कलेक्ट करना है कैश, और कंसंट्रेशन कहाँ पे कंसंट्रेट होना है, कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, और डिसबर्समेंट प्रॉपर तरीके से डिसबर्स करना है उसको सही जगह पे, सही समय पे, सही ऑप्टिमाइज जो है कैश जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होना भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता है कि फंड जो है लिक्विडिटी है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं हुई है। लेकिन कैश क्रंच की सिचुएशन अगर आ जाती है वो भी अच्छा नहीं माना जाता। तो दोनों के बीच में रहना है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी होना चाहिए थ्रू इम्प्रूव फ्लो ऑफ फंड, फंड जो है वो इम्प्रूव वे में फ्लो हो, क्विकली जो है फंड्स ट्रांसफ़र हो, और साथ ही ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी होना चाहिए, प्रॉपर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होना चाहिए। इसी के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हैं वो भी कैश मैनेजमेंट सर्विस पे ही डिपेंड करेंगी। अब कॉरपोरेट्स को इससे क्या बेनिफिट होता है, बैंक से अगर वो जो है फंड मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हैं बैंक से, तो उनको क्या बेनिफिट होता है? एक तो साथ ही लो इंटरेस्ट कॉस्ट उनको लगती है, क्योंकि जब बैंक फंड मैनेजमेंट उनका बेहतर तरीके से फंड मैनेज होता है तो वो कम से कम जो है अपना कैश जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान लगाते हैं, और उनके जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो उनको देनी पड़ती है लेंडिंग पे, क्योंकि लेंडिंग भी फिर कम से कम रखी जाती है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही वो लिमिट अवेल करते हैं, अपनी लोन में से उतना पैसा अवेल करते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो कम रहती है। लिक्विडिटी इम्प्रूव रहती है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी रहता है, साथ ही जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लिक्विडिटी उनको अवेलेबल रहती है। अकाउंटिंग और रिकन्सिलेशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि एक्सपर्ट सर्विसेज उनको मिलती हैं, जिससे कि ओवरऑल जो है ऑपरेशनल कन्वीनियंस उनको बैंक ऑर्गेनाइजेशन को रहता है, प्रॉपरली स्मूथली फंक्शनिंग उनकी चलती रहती है। और बैंक्स को क्या फ़ायदा होता है साथियों, बैंक्स को क्लाइंट बेस मिलता है, प्लस उनको फी बेस्ड इनकम मिलती है, और साथ ही बेटर जो रिलेशनशिप मेंटेन होता है अपने क्लाइंट्स के साथ में। टाइप ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विसेज साथियों, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में आती हैं जिन्हें बैंक प्रोवाइड करते हैं? कलेक्शन सर्विसेज देते हैं, कैश कलेक्शन वगैरह जो होता है ये करवाते हैं, क्रेडिट डायरेक्ट क्रेडिट बाई फंड ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र जो करते हैं अलग अलग तरह से, डीडी ड्राइंग होती है, नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू टाइमली क्विकली जो है फंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं, चेक का कलेक्शन भी होता है, बैंक चेक कलेक्ट करते हैं क्लियरिंग में भेजते हैं, ECSS साथियों वही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, जो कि अब जैसे कि MICR टेक्नोलॉजी आ गई है, तो MICR टेक्नोलॉजी से की वजह से ये काफ़ी क्लियरिंग जो है काफ़ी फास्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है, फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसकी वजह से भी जब फंड जल्दी जल्दी क्लियर होंगे तो कैश क्रंच जो है वो नहीं होगा, फटाफट पैसे जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र होंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचेंगे, तो उनकी जो साइकिल है ओवरऑल वो कम टाइम में पूरी होगी, तो इससे कंपनी को फंक्शनिंग में हेल्प मिलती है। साथ ही इन्फिनेट साथियों जो कि नेटवर्क है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क जो जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नेटवर्क प्रोवाइड करता है, तो इसके आने से भी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प हुई है। इसमें चैलेंजेस साथियों कई आते हैं कि कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि अगर बैंक्स को प्रॉपर तरीके से कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उनको सबसे पहले क्लाइंट्स का बिजनेस समझना होगा, किस तरह की कंपनी है जिसको वो क्लाइंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका बिजनेस पूरी तरह से समझें, और इसके साथ ही केवल कैश मैनेजमेंट सर्विस ही प्रोवाइड ना करें, उनको अदर एडवाइजरी सर्विस भी दें, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि एक एक ही जगह उनको अगर क्लाइंट्स को प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी, कई तरह की सर्विसेज मिल जाएंगी, तो उनकी जो बेटर ट्यूनिंग होगी उनके साथ में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और लॉयल्टी बढ़ेगी, फेथ बढ़ेगा, तो एडवाइजरी सर्विस भी साथ में प्रोवाइड करनी होती है। सॉफ्टवेयर सोर्सिंग कहाँ से करनी है इसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई तरह के सॉफ्टवेयर सोर्सिंग होती है बैंक में, एक तो होता है वो इंडिजीनियस अपने अपने जो सिस्टम है उसी में बनाएं, अपने पास ही बनाएं, या किसी वेंडर से लें और उसको फिर इनकॉर्पोरेट करें, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका प्रॉपर डिसीजन लेना कि कौन सी जो स्ट्रेटजी है उनके लिए बेटर काम करेगी। साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है बड़े जो कॉरपोरेट क्लाइंट हैं वो कम है, बल्कि छोटी स्मॉल और मीडियम साइज़ की कंपनीज जो हैं, MSME भी जिन्हें हम कहते हैं, वो ज़्यादा हैं, मेजोरिटी में वही है, तो प्रायोरिटी उनको देनी है बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा उनमें, क्योंकि आप कॉरपोरेट क्लाइंट्स कम हैं और उनको बैंक्स काफ़ी हैं, तो केवल कॉरपोरेट क्लाइंट पर ही रिलाई करके आप वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, बैंक्स को अगर ग्रो करना है इस सेक्टर में और इनकम अपनी बढ़ानी है तो उन्हें जो छोटे और मझोले जो हैं कंपनीज़ हैं उनकी तरफ फोकस करना होगा और उनको ही प्रायोरिटी पर रखना होगा। एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए साथियों कि जो बैंक्स के एम्प्लॉई हैं, बैंक के जो मैनेजर्स हैं वो हैं, और प्लस जो जो कॉरपोरेट एंटिटी है जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वहाँ के बिजनेस मैनेजर्स हैं, तो उनके साथ बेटर ट्यूनिंग हो, तभी अच्छी तरह से ये है कॉर्डिलेरी, एक कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में अगर काम होगा तभी बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कंसर्न जो होता है सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को लेकर होता है, सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कंपनीज में रहता है कि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले,
और उनका रिस्क जो है डेटा का और प्लस फंड का वो सारा मैनेज हो, तो उसका जो मिनिमाइजेशन है, मिटिगेशन है इसका रिस्क का, वो होना चाहिए। और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उनको जो है कस्टमर्स को इतना ट्रस्ट हो जाना चाहिए बैंक के ऑपरेशंस पे या उनके जो सिस्टम्स हैं कि हमारे साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और स्मूथ वे में उनका काम होता रहेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, अगर ये सारी चीज़ें बैंक्स अगर अगर मीट कर लेते हैं, चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो प्रॉपर एक कैश मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में